इतनी गर्मी है, हमारा कुछ मन करता है टेस्टी सी हेल्दी सी ड्रिंक हो, अगर ठंडा ठंडा मन करता है शरबत पीने का, बट घर पे कुछ बनाने का मन कर रहा है जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो बट हेल्दी हो. सो एनी गेसेस, आज मैं किसकी बात कर रही हूँ? बहुत ही हेल्दी फ्रूट की बात कर रही हूँ जो इस टाइम पे गर्मियों के सीजन में आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में. और इस तरह से आप अपनी डाइट में इस तरह का शरबत बना रहे हो, घर पे बना रहे हो, सो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे. एज वी प्रोसीड विद द वीडियो इसके बारे में बात करते रहेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये है बेल, इसका आज हम शरबत बनाएंगे. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही स्वीट फ्रूट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है. ये पका हुआ बेल है तो इसको आप हार्ड होता है, हर साइड से मैं इस तरह से बेलन से इसको करूंगी और आप देखेंगे, आई शो यू इसका जब टूट जाएगा ये. अब ये हमारा अच्छे से आप देख सकते हैं पूरा टूट गया है. ये शेल में से पूरा मैं बाहर निकालूंगी, आई शो यू किस तरह से हम इसको स्कूप आउट करेंगे. मैं इसका पल्प निकाल, मैंने एक बोल ले लिया है, ऊपर स्ट्रेनर डाल दिया है. बेसिकली हम इसको सारा का सारा स्कूप आउट करेंगे. बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है और सीजनल है, सो इट्स अ मस्ट हैव. इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, जो डायबिटीज़ जिन लोगों को रहता है उनके लिए बहुत हेल्दी फ्रूट है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेट नहीं करता. सो आयुर्वेदा के हिसाब से भी जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, हर्ब्स में, मेडिसिन में, तो बहुत हेल्पफुल रहता है. आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है इसका. इंग्लिश में इसको गुड एप्पल भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन सी. और आपको कोई कोल्ड है, साइनस है, हेडेक है या इस तरह का कोई इशू है तो उसमें आपको रिलीफ भी देता है. सो या ऑल इन ऑल बहुत ही हेल्दी फ्रूट है. सो डेफिनेटली सीजनल चीज़ें, लाइक आई ऑलवेज से, लोकली अवेलेबल जो सीजनल चीज़ें हैं वो आपको लेना चाहिए. गर्मियों में आप कुछ सोचें कि एरिएटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, उससे बेटर हमेशा है कि आप ये चीज़ लें. आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है, तो आपको बहुत ही अमेजिंग फील होगा. इस तरह से स्कूप आउट करते रहेंगे. आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सीड है और ये स्टिकी सब्सटेंस है, ये बहुत कड़वा होता है. ये आपको इंश्योर करना है, आप निकालते रहें और इसको हम इस तरह से स्कूप आउट करते रहेंगे, स्ट्रेन करते रहेंगे. ये सी, ये हम निकालते रहेंगे जो सीड जाएंगे, क्योंकि वो कड़वा रहता है. वैसे भी मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है, बाई चांस कुछ जाएगा भी अंदर तो बीच में नहीं आएगा, तभी हम इसको सीव करेंगे. अभी मैं इसके ऊपर पानी डालूंगी और वो हम बेसिकली इसको मिक्सी में नहीं करेंगे हम, आई डोंट प्रेफर दैट वे. उस काफ़ी न्यूट्रिशन लॉस होने लगता है. विटामिन ए, विटामिन डी रिच है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच है ये फ्रूट. सो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन द न्यूट्रिशन क्वेश्चन. हम इतना हेल्दी फ्रूट का ड्रिंक बना भी रहे हैं एंड स्टिल अगर हमें न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं मिला, सो दैट डिफीट्स द पर्पज विच यू डोंट वॉन्ट. नाउ एज यू कैन सी, इस तरह से ये सीड आया, स्टिकी सब्सटेंस आया, ये हम निकालते चले जाएंगे एंड दैट वे मैं पूरा फ्रूट स्कूप आउट कर लूँगी. ये सीड्स निकालते निकालते अब आप देख सकते हो हमने पूरा का पूरा इसका पल्प निकाल दिया है. अब मैं इस तरह से इसके ऊपर पानी ऐड करूँगी और हम इसको सीव में से इस तरह से ऊज आउट होता रहेगा ये छन के पल्प. और इस तरह से हम शरबत बनाएंगे. लाइक आई सेड, मिक्सी वाला प्रोसीजर मैं प्रेफर नहीं करती, दो इट्स वेरी सिंपल, बट या इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है. सो या इसमें टाइम लगता है, बट या दिस इज़ अ हेल्दी वे टू मेक. मैं आपको बेटर आइडिया देती हूँ. इस तरह से मडलर मैंने लिया, बहुत इजीली होता है. या आपके पास बेलन हो, मडलर नहीं है, इस तरह से हम ऐसे करेंगे. सी सारा पल्प जाने लगता है और आप सीव के इस साइड देख सकते हैं पल्प आने लगता है सारा. वो इस तरह से स्पून की हेल्प से पूरा पल्प हम स्क्रेप आउट कर लेंगे, हमारे जूस में डालेंगे. गाइस, इट्स मच हेल्दियर देन एनी टेट्रापैक जूस और एनी एरिएटेड ड्रिंक विच यू माइट एवर हैव इन समर्स. और बहुत ही तासी ठंडी होती है. सो फॉर पीपल हु हैव स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनडाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, दिस ड्रिंक इज अ मस्ट हैव. सी, इस तरह से हम इसको स्क्रेप आउट कर रहे हैं. सी कितना पल्प आ रहा है एंड इट्स सो स्वीट. इसको हम इसी तरह से लेंगे, कोई
एडेड शुगर्स कोई भी चीज़ डालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. इट्स सो स्वीट इन इटसेल्फ. और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, बीच बीच में पल्पी है थोड़ा थोड़ा. आई लाइक इट दैट वे, थोड़ा सा चंक्स आए. आपको अगर बहुत ही ज़्यादा चाहिए कि चंक्स ना आए तो आप स्वीप भी कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इट हमें, क्योंकि आप देखोगे उतना वो यमी लगता. हमारा ये इस तरह से सारा पल्प हमने यूज आउट कर लिया है और ये अब हमारा वेस्ट रह गया है, जिसमें सी इस तरह की कंसिस्टेंसी है. यू कैन सी इस तरह से थिक चाहिए क्योंकि हम कुछ एडेड शुगर ऐड नहीं कर रहे, सो आई फील ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है. थोड़े थोड़े से चंक्स आ रहे हैं विच इज़ रियली गॉर्जियस. कलर आप देख सकते हैं मस्कमेलन टाइप कलर है और टेस्ट तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन टू बी एबल टू फॉल इन लव विद दिस ड्रिंक. सी गाइस, इट्स मच मच बेटर देन एनी अनहेल्दी ड्रिंक. डेफिनेटली अगर आप एक बार बनाएंगे, इट्स सो रिफ्रेशिंग टू द आईज ऑल्सो एंड वेरी फिलिंग फॉर योर पैलेट ऑल्सो. गट फ्रेंडली ड्रिंक है, सो फ्रेंड्स इट्स अ मस्ट ट्राई. उसके ऊपर से समर्स का टाइम है, सो डेफिनेटली आई एम अ बिग फैन ऑफ मिंट. डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर ऑल्सो. तो इस तरह से हम फ्रेश मिंट लीव्स ऐड कर देंगे. सो या आ हेल्दी अमेजिंग बेर शरबत इज रेडी विद विच इज़ सो हेल्दी एंड सो डिलिशियस. यू गॉट टू ट्राई दिस वन. And yeah, do share the pictures when you prepare such lovely drink, when you have that thirst and quench in the scorching heat, definitely go for Bel Sharbat. This is a very healthy drink. Bye-bye.